वाजिद, इनका चेहरा अगर आप बजाहिर देखते हैं तो इनका चेहरे चौड़ा है, सही है, इस हिसाब से क्या इनकी आईब्रोज अपने चेहरे के कट के हिसाब से सही बनी हुई है? पतली है, पतली है हम पतले। अच्छा क्या होता है, अभी जी फेस थोड़ा राउंड है, थोड़ा सा ब्रॉड है, तो आईब्रो पतले होने की वजह से क्या हो गया कि ये गाल जो है, चीक जो है, थोड़े से और बड़े लग रहे हैं। ओके, तो जब हम आईब्रो को थोड़ा थिक करेंगे तो फेस हम डिवाइड कर देते हैं 3-4 हिस्सों में, फिर जब हम नाक का कॉन्टोर करेंगे हम ये सारी चीजें, तो आप फेस पूरा बैलेंस हो जाता है। अभी बहुत अच्छे हैं। पतली आईब्रो किसके किसके लिए बनी हुई है? अच्छा पतली आईब्रो किसके लिए बने हुए? अच्छा बहुत पतले पतले उनके लिए, नाजुक नाजुक सी, लेकिन उनको भी अगर अब यहाँ पे जैसे ये वाली लड़की है बिस्मा, ये बिस्मा जिसने बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है, बिल्कुल, जिसको बिल्कुल खुद को लगता है ना गोरी चट्टी लग रही है आज, ये इसकी बात कर बिस्मा के ऊपर, लेकिन बिस्मा को भी अगर हल्का सा हम ऊपर से शेप देंगे तो बिस्मा की आंखें थोड़ी सी खुली हुई लगी है। अभी बिस्मा की आंखें कैसे लगते हैं, नीचे दबी हुई इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। एक तो तुम इनकी आईब्रो मोटी करोगे, बेस तुम लगाओ, देखो इनके कलर की कौन सी होगी। अच्छा क्या है कि इतनी चिकनी बेस लगानी है वो भी बता देना। क्या है कि अभी जैसे इनका, आपका नाम क्या है? सबा। अच्छा सबा की जैसे स्किन है, हम मुसर्रत मिसबा का आलमंड शेड बेस्ट शेड है। अच्छा जो इनकी स्किन, तो हमने पूरे फेस के ऊपर थोड़ा सा लेके, अच्छा लिपस्टिक छुटाए नहीं, नहीं लिपस्टिक इसके ऊपर मैं दूसरी लगाऊंगा इसी के ऊपर, अच्छा होने दे। ओके पूरे फेस के ऊपर टैप टैप करके लगाना है इस तरीके से। अच्छा ये थोड़ा सा येलो टिंट में है। अच्छा अब इनको, इनके ऊपर चेंज आएगा। अब मैं पहला जुमला बताऊं, जब वो खातून जो अपना गोरा और चमकदार मेकअप करती हैं तो अगर उनके ऊपर चेंज आता है तो वो कहती हैं आपने मेरा काला मेकअप कर दिया, आपने मुझे काला कर दिया, यही सुनने को मिलता होगा ना वाजिद तुम्हें? बिल्कुल ऐसा ही, कि आपने मुझे डल कर दिया है, मैं थोड़ी सी डल लग रही हूँ। तब तक जब तक उनकी तस्वीरें नहीं आ जाती, तब तक जब तक लोग उनको देख कर ये नहीं कहते आओ तुम तो जरा स्लिम हो गई हो, आओ तुम तो जरा अच्छी लग रही हो, जब उनको पहला पहली दफ़ा चेंज नज़र आता है तो उनका फर्स्ट रिएक्शन यही होता है जब आप अपनी बेस चेंज करती हैं और येलो टिंच की तरफ ले जाती हैं। बिल्कुल हो गया। सो हम अभी थोड़ा सा येलो टिंट पे लगा रहे हैं, जब हम इसके ऊपर पाउडर लगाएंगे, पाउडर एक टोन इससे हम थोड़ा सा डार्क लगाएंगे, तो वो मिक्स होकर एक तीसरी शेड क्रिएट हो जाएगा, तो वो बहुत नेचुरल दिखा दो, क्योंकि जब मैं ब्रेक पे जाऊं तो जरा हम देख पाउडर हम ये लगाएंगे मैक का NC35 लगेगा और आलमंड मसरत मिसबा की बेस लगाई है जो कि एक मैट बेस है, मगर इनको अगर ग्लोई स्किन चाहिए तो तुम क्या ऐड इन करोगे? मैं हम हाईलाइटर लगाएंगे मगर वो कहते हैं ना कि अपना पेट समझ के खाना चाहिए, तो अपना चेहरा समझ के हाईलाइटर लगाएंगे, मैदान समझ के हाईलाइटर भी हम एंगल में लगाएंगे, पूरे मुंह को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, अगर हम एंगल के साथ लगाएंगे तो हमारा फेस भी पतला लगेगा, अगर हम इस तरीके से लगाएंगे पूरा जैसे इन्होंने लगाया था तो फेस उससे भी ब्रॉड लगता है। अच्छा अब हम आप सारा सब चीजें कर लेंगे, जब हम वापस आएंगे तो आप हमें कॉन्टोर हाईलाइटर ब्लशन किस तरह लगाना है वो आप हमें दिखाएंगे, और सबा के ऊपर ये चेंज सबा को खुद कैसे लगेगा, आपको कैसे लगेगा, ये SMS करके आपने बताना है। आप सबा को वोट करेंगे कि सबा पहले ज्यादा प्यारी लग रही थी, ये सबा अभी ज्यादा प्यारी लगेंगी वाजिद के मेकअप के बाद। मैं सबा की बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी और आपके SMS हमें बताएंगे कि ये चेंज सबा के लिए कैसा है। पाउडर थोड़ा 1 out of 10 आपने रेट करना है सबा के अभी के लुक को। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.